चंकी सर हैं, आपने जब फिल्में करनी शुरू करी तो आपने अपना डेब्यू जो है वो नीलम मैम के साथ किया था, है ना? हाँ जी, हाँ सर, जी। कुछ कुछ यादें हैं उस टाइम की कुछ? अरे, मैं तो बचपन से नीलम का फैन था। जब मुझे पता चला मेरी पहली पिक्चर नीलम के साथ है, हाँ। तो मैं झूठ पे झूठ बोलने लगा अपने प्रोड्यूसर को। क्या सर, मुझे मोटरसाइकिल चलाने आता है, मुझे घोड़ा चलाने आता है, मैं प्लेन भी उड़ा लेता हूँ। ठीक है, बोला आपको फिल्म मिल गई नीलम के साथ। पहला जो शॉट था नीलम के साथ मोटरसाइकिल पे था, मैंने नीलम को पीछे बिठाया और यह चलाया मोटरसाइकिल की 400 मीटर व्हीली मार के हम लोग खाई के नीचे गिर गए। अरे बाप रे, पूरा मेरा पैर जला दिया है चंकी पांडे ने। सॉरी नीलम, फिर उसको नीलम को थोड़ा सर्जरी करके उसको ठीक करना पड़ा। सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी बट मैंने अपनी निशानी छोड़ दी उन पर। एक्चुअली एक कन्फेशन है। प्लीज, आपकी फिल्म लव 86 आई थी गोविंदा के साथ, और तब मैं आई थिंक वाज इन 6th स्टैंडर्ड, एंड आई रिमेम्बर कि वो एक दौर होता है ना, व्हेन यू ग्रो फ्रॉम बीइंग अ बॉय टू अ मैन, तो वो एक फीलिंग आ गई आपको देखकर कि यार वाह। क्या बात है, सिनेमा हॉल में बच्चे गए बाहर बड़े हो गया है। ऐसा नहीं है। और उसकी पहली पिक्चर नाम था जवानी। I honestly feel मैं शेयर करना चाहता हूँ, I had a massive crush on you, Neelam. Massive crush on you. कुछ साल बाद मलाइका, नीलम और बहुत सारी दूसरी जो बड़े बैंड्रा गर्ल्स, जो बड़े एक्टर्स की बीवियां हैं, वो मेरे क्लास में आई थी और वो सीख रही थी, एंड व्हेन आई सॉ नीलम मैं ऐसे रह गया कि वाओ। और ये कितनी इत्तेफाक की बात है कि एक टाइम पे मैं उसको देखता था, एंड आई वाज लाइक दिस, इट वाज क्वाइट, बट आई कंट्रोल्ड माय सेल्फ, और आज मैं आपकी फैन। थैंक यू सो मच, एंड एक्चुअली जो मेरी गर्लफ्रेंड भी बनी वो आप ही की तरह दिखती थी। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको टेनिस सर, यहाँ पे एक और फैन है बहुत बड़ी, चंकी सर की बहुत बड़ी फैन। उन्होंने अपने कमरे में पोस्टर लगा रखे थे चंकी पांडे के, वो है द वन एंड ओनली मलाइका। मलाइका, ये बात बताएं आप, ऐसा सही है ये बात? ये मैंने कभी किसी से मैंने कभी शेयर नहीं किया है, मतलब चंकी को पता है बिकॉज मैंने उनको बताया। मेरे भी ग्रोइंग अप इयर्स जैसे आपके ग्रोइंग अप इयर्स थे, मेरे कबर्ड के अंदर जब कबर्ड खोलते ना ऐसे ऐसे खुलता है, दो दरवाजे होते हैं, तो एक साइड पे टॉम क्रूज था और एक साइड पे चंकी पांडे। Chunky, she's not joking. I'm not joking. Let me tell you, I used to be a huge Chunky fan. मतलब, I still remember, मुझे बाल काटने थे और चंकी का वेरी टिपिकल हेयर स्टाइल था ना, ऐसे लंबे लंबे ऐसे कुछ करता था। आई रिमेम्बर मैं गई थी वहाँ पे वही पोस्टर लेके, एंड आई सेड ये सेम हेयर स्टाइल मुझे भी चाहिए। और फिर मैं और मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, रोज घर में बैठकर इनके घर पे मैं हम लोग ब्लैंक कॉल्स लगाते और मैं और मेरी बहन बस यही करते थे पूरा दिन, हाय चंकी, हाय चंकी। और ये भी एक नंबर का बदमाश है, ही इज नो लेस, ही यूज्ड टू कम टू द फोन एंड से यस यस स्वीटी यूज दिस स्वीटी। मतलब हम इतने खुश हो जाते थे, इतने खुश। बट आई हैव टू एडमिट ऑन नेशनल टेलीविजन दैट आई हैड द बिगेस्ट ह्यूजेस्ट क्रश ऑन चंकी पांडे। मैं तो बेहोश होने वाला हूं, किसी और को बुलाओ, मैं चश्मे पहन के मर जाने वाला। संकेत, एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, इट्स माय ओन स्टोरी एक्चुअली। जब मैं 87 में नया नया एक्टर बना था, मेरे पिताजी हार्ट सर्जन है, ही इज नो मोर, तो वो दिल्ली गए थे एक हार्ट सर्जन्स के कॉन्फ्रेंस में, और जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, ही वॉज एड्रेस्ड एज डॉक्टर शरद पांडे, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी चंकी पांडेज फादर, एंड वो इतने खुश हो गए कि कॉन्फ्रेंस के बाद, तब मोबाइल फोन होते नहीं थे, ही वेंट टू द एसटीडी बूथ एंड यू नो कॉल्ड मी अप एंड सेज, सन आई एम सो प्राउड ऑफ यू टुडे दैट आई वाज कॉल्ड योर फादर टुडे। ऐसे ही आपके पिताजी इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑलवेज, वो घर बैठ के आपको देख रहे टीवी पर, नेशनल टीवी पर,
And I cannot tell you कि उनके दिल में क्या हो रहा होगा. He can't say it to you, but he must be so excited and happy. ये सिर्फ एक बाप जानता है. मुझे भी जब मेरी अनन्या को अवार्ड पहली बार मिला था स्टेज पे, मेरे आंख में आंसू आ गए थे. I could not express that happiness. So what happiness you are giving your father, वो उसमें ही ठीक हो जाएंगे. So you don't have to worry. आपने सब कुछ कर लिया just by being here and performing so well. Keep it up, Sanket. Anuradha, keep encouraging him like this. संकेत, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, छोटा सा गुड लक के लिए. प्लीज मैम आइए. संकेत, ये आपके लिए एक टोकन ऑफ लव और गुड लक चार्म है आपके लिए और आपके पापा के लिए. हाँ, मुझे पता है आपके पापा बीमार हैं. ही इज गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट राइट नाउ, मुझे सब पता है. एंड दिस होपफुली विल मेक योर पापा कम और यहाँ बैठेंगे. ये उनका सीट है ना? यस. आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं, मुझे यकीन है आपके पापा जरूर ठीक होंगे और जरूर यहाँ बैठेंगे और आपको परफॉर्म करते हुए देखेंगे, मुझे यकीन है. आई जस्ट लॉस्ट माई फादर सो आई नो. Sorry guys. Sanket, be strong and wish you all the best. Huh? Thank you. Hello ma'am, thank you so much, especially यहाँ पे आने के लिए. एंड फॉर दिस एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर नीलम मैम. कम ऑन. ऑलराइट संकेत, थैंक यू. प्लीज आइए, टेक अ सीट. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.